राजस्थान में लोकसभा चुनाव के महज चंद दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में दोनों ही पार्टियों के केंद्रीय नेताओं के राजस्थान में लगातार ताबड़तोड़ दौरे जारी है। ऐसे में अगर बात करें राजस्थान में लोकसभा चुनाव की, तो राजस्थान में दो चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। 19 अप्रैल को पहले चरण में राजस्थान की 12 लोकसभा सीटों पर 144 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमाएंगे और 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 13 लोकसभा सीटों पर 152 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमाएंगे। ऐसे में अगर देखा जाए तो 25 लोकसभा सीटों पर कुल 266 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। लेकिन भाजपा की बात करें तो भाजपा ने मिशन 25 को लेकर राजस्थान में 25 उम्मीदवार उतारे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस स्वतंत्र रूप से 23 उम्मीदवार उतारे हैं और 2 लोकसभा सीटों पर गठबंधन किया है। सीकर और नागौर की सीट पर गठबंधन के तहत कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित किए। अब राजस्थान में स्थिति साफ हो गई है, लेकिन मिशन 25 को लेकर राजस्थान में भाजपा की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है। क्योंकि अगर बात करें राजस्थान की होट सीटों की, तो मौजूदा हालात में राजस्थान में 3 से 4 होट सीट है, जो कि नागौर, जहां गठबंधन के सामने पूरा मिर्दा परिवार है। कहा जाए तो हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्दा में सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। तो दूसरी ओर बात करें राजस्थान की ही नहीं, पूरे देश की नजरें इस सीट पर टिकी है, और वो सीट है बाड़मेर लोकसभा सीट पर, जहां त्रिकोणीय मुकाबला है। और अगर निर्दलीय उम्मीदवार रविंदर सिंह बाटी भाजपा के गले की घंटी बने हुए हैं। और अगर बात करें तीसरी लोकसभा सीट की, तो वो लोकसभा सीट है बांसवाड़ा, जहां मुकाबला त्रिकोणीय होगा। भाजपा और कांग्रेस दोनों की ही मुश्किलें बढ़ा रहा है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस बाप पार्टी से अंत तक गठबंधन करने की बातें थी, लेकिन उसी के बीच कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अरविंद डामोर ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया और कांग्रेस पार्टी ने उससे गठबंधन नहीं किया। लेकिन ऐसे में बाप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहनलाल रोत ने अपना गठबंधन करने से इनकार कर दिया, और ऐसे में कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उन्होंने वहां पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। अब मामला त्रिकोणीय है, खैर देखना होगा कि यहां पर अब भाजपा कैसे अन्य दलों पर और गठबंधन पर कैसे पार पाती है और मिशन 25 को कैसे हासिल करती है। खैर अब चुनाव नजदीक है और अब देखना होगा कि किसका भाग्य चमकता है और कौन लोकसभा तक जाता है।